आज मैं आपको बचे हुए मिठाइयों से कुल्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मेरे पास 6 कलाकंद हैं और 4 गुलाब जामुन। इसकी जगह पर आप कोई भी खोए की मिठाई यूज़ कर सकते हो, जैसे कि काजू कतली या पेड़े या मलाई पेड़े या और भी कोई खोए की मिठाई। ये मैंने 2 छोटे चम्मच काजू पाउडर लिया है, ये मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है, 5-6 हरी इलायची ली है छोटी, और ये मैंने येलो फूड कलर लिया है, और ये मैंने थोड़े से बादाम पतले काट कर लिए हैं, थोड़े से पिस्ता काट कर लिए हैं। ये मैंने आधी कटोरी मलाई ली है जिसे मैंने फ्रीज में आधे घंटे तक रखा था, और ये मैंने 1 किलो फुल फैट मिल्क लिया है जिसे हम रिड्यूस करेंगे। और ये मैं अब अपने कलाकंद को और गुलाब जामुन को मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लूँगी। इसे हमें अच्छे से चर्न करना है ताकि इसमें गांठें ना रहें। दोस्तों, आप चाहें तो कोई भी खोए की मिठाई यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप यही दोनों कर सकते हो। अब मैं इसमें ठंडा दूध डालूंगी जो मैंने लिया था 1 कटोरी में, और इसमें मैं 2 छोटे चम्मच काजू पाउडर जो मैंने लेकर रखा था उसे भी डाल दूंगी, और ये 1/2 कटोरी मलाई, और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पर दोस्तों आपको प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, अगर आपकी गांठें होंगी तो आप दोबारा भी इसे पीस सकते हो। ये हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसे एक कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। देखिए कितना गाढ़ा है। हमने इसमें चीनी नहीं डाली है क्योंकि ये मिठाई खुद ही मीठी होती है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध उबल गया है थोड़ा सा। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे, येलो फूड कलर। अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो इसकी जगह पर आप केसर भी डाल सकते हो। थोड़ा सा हमारा दूध रिड्यूस हो चुका है, इसमें हम हरी इलायची के दाने डाल देंगे। आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हो या डायरेक्ट दाने भी डाल सकते हो। और इसमें अब हम इसे हमें ऐसे ही चलाना है, अगर आप छोड़ दोगे तो आपके नीचे से दूध जल जाएगा। इसमें अब हम अपने कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ता बारीक कटे हुए डाल देंगे, और इसे अच्छे से चलाकर हमें हाफ़ कर लेना है। 1 kg मिल्क को हमें 1/2 kg कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हमारा मिल्क 1/2 kg हो चुका है और हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस गर्म दूध को अपने ठंडे मिठाई के बैटर में डालकर मिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो इस समय आप चीनी डाल दोगे इस बैटर में और इसे मिक्सी के जार में दोबारा चर्न कर लोगे। रोज़ एसेंस भी डाल दोगे, वाइट रोज एसेंस। इससे क्या होगा, आपके अगर मिठाई के बैटर में गांठें होंगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, चीनी भी पिस जाएगी, और थोड़ी खुशबू के लिए रोज़ एसेंस भी हो जाएगा। अब हम इसमें अपने कुल्फ़ी के मोल्ड्स में आइसक्रीम को भरेंगे, और उस समय आपकी आइसक्रीम ठंडी होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमें इसी तरह अपने सारे आइसक्रीम के मोल्ड्स में धीरे धीरे आइसक्रीम भरना है। अगर आपके पास आइसक्रीम्स का मोल्ड्स नहीं है तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भी अपनी आइसक्रीम जमा सकते हो। देखिए, हमें इसी तरह सब में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भरना है, और हमारी आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। और इसके बाद हम इसे इसी तरह अच्छे से ढक लेंगे अपने स्टिक से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, अच्छे से, ताकि इसमें से एयर पास ना हो, और इसे फ्रीज में 8 से 10 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। ये हमारे 8 से 10 घंटे हो गए, हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। हम इसे फ्रीज़र से निकाल कर 5 मिनट के लिए किसी पानी वाले बड़े बर्तन में रखेंगे। उसके बाद हम अपने आइसक्रीम को निकालेंगे ताकि आइसक्रीम थोड़ी लूज़ हो जाए। अगर आप फ्रीज से निकाल कर तुरंत निकालोगे तो हो सकता है स्टिक आपके हाथ में आ जाए और आइसक्रीम अंदर ही रह जाए। इसीलिए इसे फ्रीज से निकाल के 5 मिनट तक रखना है पानी में। ये देखिए दोस्तों, हमारी मिठाई कुल्फी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।